क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पांच क्वेश्चन मिलेंगे एक एक नंबर के, दो एमसीक्यू और तीन वन वर्ड वाले आंसर लिखने होते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है वो एमसीक्यू है। इसमें कह रहे हैं अ कंपनी हैड करंट एसेट्स ऑफ रुपीज 3 लाख एंड लायबिलिटी ऑफ 150,000 हैविंग अ करंट रेशियो ऑफ 2:1। व्हाट विल बी द कंपनीज रिवाइज करंट रेशियो आफ्टर इट कलेक्ट 20,000 कैश फ्रॉम इट्स डेटर्स ऑफ 25,000 द रिमेनिंग बैड डेटर्स बीइंग बैड। तो एक कंपनी का रिवाइज आपको करंट रेशियो निकालना है, और जबकि उसने 25,000 रुपए के डेटर से 20,000 रिसीव किए हैं, यानी कि अगर आप देखें तो इनका एसेट घट जा रही है। अगर न्यूमरेटर घटेगा तो आपका जो नया रिवाइज जो भी आपका रेशियो होगा वो कम हो जाएगा। इसका मतलब इसका डी आंसर बिल्कुल सही होगा, 1.9:1। सेकेंड क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 SM लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू बी रिडीम आफ्टर 3 ईयर्स। द कंपनी हैड अ बैलेंस ऑफ 60,000 इन इट्स सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। वट अमाउंट विल बी एडेड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एट डिस्काउंट इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ SM लिमिटेड फॉर द ईयर 2021-22। सवाल में कह रहे हैं SM लिमिटेड ने 10,000 डिबेंचर 100 रुपये वाले 10% डिस्काउंट पे इशू किया, जिनका रिडेम्पशन 3 साल बाद होना है, और कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 60,000 रुपये। अगर आप 10,000 डिबेंचर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10 लाख हो जाते हैं। 10 लाख का 10% 1 लाख, और 1 लाख रुपये के डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए पहले सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल किया जाएगा, बाकी बचेंगे 40,000 उसको राइट ऑफ करना होगा। अब क्वेश्चन आपसे कहते हैं व्हाट विल बी एडेड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज डिस्काउंट इशू डिबेंचर रिटर्न ऑफ इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ SM लिमिटेड फॉर द ईयर 2020-21। अब कह रहे हैं जब हम इस कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें कितने पैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करने पड़ेंगे, तो 60,000 सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट हो गया, तो इसका 40,000 इसका सही ऑप्शन होगा। 1 लाख के डिस्काउंट में से 60,000 प्रीमियम से एडजस्ट हो जाएंगे, जो 40,000 बचेगा वो यहाँ पर सही करेक्ट आंसर होगा, यानी डी भी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट विद द रीजन वेदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज डिडक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल व्हाइल कंप्यूटिंग करंट रेशियो। जब हम करंट रेशियो निकालते हैं तो क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की अमाउंट को डेटर से घटाना चाहिए? अगर आप आंसर की बात करें तो आंसर इसका यस होगा, क्योंकि जब तक आप नहीं घटाएंगे आपको करेक्ट पोजिशन नहीं पता चल पाएगी। तो आपको जवाब में रीजन भी लिखेंगे फॉर एसरटेनमेंट ऑफ करेक्ट पोजिशन ऑफ डेटर्स, और आंसर यस होगा इसका। क्वेश्चन 4, व्हाइल प्रिपेयरिंग इट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट विल अ कंपनी कंसिडर एन इंक्रीज ऑफ इट्स बैंक ओवरड्राफ्ट एज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी और एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो बैंक ओवरड्राफ्ट अगर इंक्रीज करता है तो इसे क्या कंसिडर करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग एक्टिविटी? वैसे जनरली ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, लेकिन अगर कोई बैंकिंग कंपनी है या कोई फाइनेंसिंग कंपनी है तो उसके लिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी हो सकता है। वैसे सही जवाब इसका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 11 का 5th पॉइंट, व्हाट इज मीन बाय इंटरफर्म एनालिसिस? इंटरफर्म एनालिसिस क्या होता है? जवाब में आप लिख सकते हैं इंटरफर्म एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ इवेलुएटिंग द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ एफिशिएंसी कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट फर्म इन अ सेम इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 12 फॉर 3 मार्क्स, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ हॉरिजॉन लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ PL। आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ PL बनाना है, और इसमें इंफॉर्मेशन के नाम पर अगर आप देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवन, अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम एंड डेप्शन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस दिए हैं। बस सवाल में सिर्फ जो चीज़ देखने वाली है वो सिर्फ इतनी सी है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन परसेंटेज में दिया है, आप इसको क्लियर करके लिखेंगे। चलते हैं, सिर्फ फॉर्मेट का रोल है, मैं जल्दी से फॉर्मेट आपको बना के दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ PL बनाने के लिए सबसे पहले फॉर्मेट डिजाइन करना पड़ेगा, जो फॉर्मेट इनका प्रिस्क्राइब्ड है। आपने उस तरह से पूरा फॉर्मेट यहाँ मेंटेन कर दिया है, और आप किस तरह से इसको वैल्यू रखते हैं ये चेक कर लेते हैं। तो सवाल में सिर्फ अदर इनकम 1 लाख रुपए दिया, तो पहले आप अदर इनकम लिखेंगे 1 लाख रुपीज यहाँ पर और 50,000 यहाँ पर, और सवाल में कहा था कि 100% रेवेन्यू होगा, यानी जितना अदर इनकम होगा उतना ही क्या रेवेन्यू होगा, तो 1 लाख आप यहाँ भी लिख लें और 50,000 यहाँ भी लिख लें। ये एक पॉइंट बस मिसिंग था या एक इन्फॉर्मेशन थी, इस तरह से इसको करेंगे चेंज। अब देखें यहाँ पे ये जो चेंज आ रहा है वो 50,000 का रहा है, यहाँ लिख दीजिए, और ये चेंज 100% है। कैसे निकालते हैं? एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर वैल्यू इनटू 100। मैं फॉर्मूला भी नीचे लिख दूंगा इसका भी, और यहाँ पे भी चेंज कितना है 50,000, और ये भी 100% चेंज है। अब इसका टोटल करेंगे, अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम जोड़िए, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, ये 2 लाख रुपीज़ हो जाएगा, ये 2 लाख हो जाएगा, ये 1 लाख हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 1 लाख रुपये होगा, और ये भी चेंज 100% ही होगा। ठीक बात है। अब अदर एक्सपेंसेस की बात करें तो आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम साफ साफ सवाल में दिया है, यहाँ 50,000 दिया है,
और 10,000 रुपये डेप्रेशन के खर्चे दिए हुए। इसी तरह से ये 60,000 हो जाएगा। सिमिलरली आपको 2021 का भी डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे 20,000 आपको दिया हुआ है। और ये मैं सवाल में देख रहा हूँ कि क्या क्या वैल्यू दे रखी है, और टोटल 25,000। अब देखिए यहाँ पर 2,00,000 रुपये की इनकम है और 60,000 खर्चे, इसलिए 1,40,000 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा, 1,00,000 प्रॉफिट। तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स नाम देंगे इसको, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, इस तरह से यहाँ देखेंगे तो ये आपका कितना निकल के आएगा, 75,000। मतलब टोटल इनकम में से टोटल खर्चे घटा दिए, आपका ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। अब चेंजेस की बात करें तो यहाँ देखें आप, 30,000 आपको चेंज दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह से 5,000 चेंज दिखाई दे रहा है, तो टोटल आपका 35,000 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंस कर ले, जैसे जी चाहे आपको समझ में आए वैसे कर ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ करेंगे तब भी आ जाएगा। तो ये 65,000 का चेंज है, चाहे आप यहाँ से घटाएं इसको तब भी और इधर से कराएं तब भी, ये दोनों सेम आना चाहिए, ये एक छोटा सा पॉइंट होता है। अब ये चेंज देखें कितने परसेंट है, ये 150% चेंज आ रहा है, ये आपका 100% चेंज आ रहा है। अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये आपका 140% चेंज हो गया आएगा, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 86.67% आ जाएगा ये। और जो परसेंटेज निकालने का तरीका होता है वो मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्या होता है, एब्सोल्यूट चेंज आप लीजिए, यानी कि जिस कॉलम में आप एब्सोल्यूट चेंज लिख रहे हैं वहाँ से एब्सोल्यूट वैल्यू, और प्रीवियस ईयर की वैल्यू लिख दी, प्रीवियस ईयर की वैल्यू, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। इस फॉर्मूले पे सारे परसेंटेज कैलकुलेट किए मैंने,